ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिला के शराब के ठेकों पर मनमाने रेट वसूलने पर आबकारी विभाग ने 1 लाख का जुर्माना वसूला है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त हुई शिकायत के आधार पर विभाग ने जिला के 5 ठेकों पर कार्रवाई की। विभाग ने गुप्त रूप से प्रशासनिक अधिकारियों की टीम शराब के ठेके पर भेजी। विभागीय अधिकारियों ने रेड के दौरान कहा कि विभाग शराब के ठेकों पर लगातार औचक निरीक्षण कर रहा है। जिला के शराब के ठेकों पर मनमाने रेट वसूलने पर आबकारी विभाग ने 1 लाख का जुर्माना वसूला है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त हुई शिकायत के आधार पर विभाग ने जिला के 5 ठेकों पर कार्रवाई की है। विभाग ने गुप्त रूप से प्रशासनिक अधिकारियों की टीम शराब के ठेक पर भेजी। विभागीय अधिकारियों ने रेड के दौरान कहा कि विभाग शराब के ठेकों का लगातार औचक निरीक्षण कर रहा है। इस दौरान अगर कोई भी लापरवाही व नियम अनुसार कोई काम नहीं करता तो उन पर कार्रवाई होगी। गौरतलब है कि आबकारी नीति के तहत उपरोक्त व्यवस्था सरकार व ग्राहकों को चूना लगाने वालों के लिए लाई गई है, ताकि शराब के ठेकों में अंकित मूल्य पर ही शराब की बिक्री हो सके। आबकारी एवं कराधान विभाग को पिछले कुछ समय से शराब के दाम कम या ज्यादा वसूले जाने की शिकायतें प्राप्त हो रही थी। इसी के तहत नई नीति का सरकार ने प्रावधान किया है, ताकि शराब ठेके वाले सरकार के राजस्व समेत ग्राहकों को चूना न लग सके। विभाग की इस कार्यवाही से ठेका मालिकों ने हड़कंप मच गया। विभाग का कहना है कि शराब के रेट सरकार द्वारा तय किए गए हैं, इस दौरान अगर कोई भी मनमाने रेट वसूलता है तो उन पर कार्यवाही की जाएगी। आज के दौर में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में बहुत सी शिकायतें शराब के से की ओवर चार्जिंग और मिलावट के बारे में आती रहती हैं, जिस पे हम शिकायत मिलने पे तुरंत कार्रवाई शुरू कर देते हैं, और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसका चालान किया जाता है और जरूरत पड़ने पर उस ठेका को एक दिन के लिए बंद भी किया जाता है। और इस तरह के हमारे पास 5 के करीब मामले आए हैं, और जिसमें उनको 1 लाख के करीब जुर्माना लगाया गया है। और इसी तरह से अभी हमारे घुमारियों क्षेत्र में एक निजी होटल में जो टन भरी गई उसको कम टैक्स दिखाया गया था, उस पर हमने कार्रवाई करते हुए उसको 2 लाख रुपए जुर्माना लगाया है, और जो कि अभी शीघ्र ही जमा भी हो जाएगा।